नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। रेलवे स्टेशन से युवती को डरा धमकाकर मेडिकल कॉलेज कैंपस में ले जाकर पीआरडी जवान द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जीआरपी ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर पीड़िता को उसके कब्जे से मुक्त कराया। सीओ जीआरपी नईम खां मंसूरी ने बताया कि कानपुर निवासी एक दंपति रोडवेज बस से रात 12 बजे झांसी आए थे। दोनों हैदराबाद जाने के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी सीपरी बाजार निवासी पीआरडी जवान सरमन पाल आया और दोनों को डरा धमकाकर अपनी बाइक पर ले गया। रास्ते में मारपीट कर पति को उतार दिया और पत्नी को मेडिकल कॉलेज कैंपस ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस अलर्ट हो गई। सर्विलांस पर मोबाइल लगाया गया, जिसके बाद पीड़िता को बरामद किया जा सका। आधी रात को पीड़िता के पति ने जीआरपी थाना जाकर पूरी घटना बताई। तत्काल हरकत में आई पुलिस ने आरोपी की तलाश की। लगभग 3 बजे सुबह आरोपी को युवती के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पीआरडी जवान ने कम उम्र का समझकर दंपति को अपने प्रभाव में ले लिया। उन्हें डराया धमकाया कि तुम लोगों ने घर से भागकर शादी की है, कहां से आ रहे हो। आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, रात्रि में 12 बजे कानपुर से हैदराबाद की तरफ एक दंपति जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो कानपुर से झांसी तक की यात्रा उन्होंने बस से की, उसके बाद उनको ट्रेन से झांसी से हैदराबाद जाना था। ये लोग स्टेशन आए, स्टेशन के बाहर बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। एक पीआरडी जवान जिसका नाम सरमन पाल, सनव वीरपाल निवासी सीपरी बाजार झांसी, उसने दोनों दंपत्ति को डरा धमका कर अपनी बाइक पर बैठा ला। कुछ देर बाद बाइक से उसके पति को उतार दिया, उसका मोबाइल ले लिया और महिला को लेकर मेडिकल कॉलेज की तरफ गया। मेडिकल कॉलेज कैंपस में घुमाया महिला को। उसके बाद हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक झांसी ने पूरा अपनी टीम के साथ सर्विलांस से लोकेशन लिया और लोकेशन के आधार पर उस अपराधी को और महिला को पकड़ लिया मेडिकल कॉलेज कैंपस में और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि ये रेप हुआ। जी, महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि रेप हुआ उसके साथ और महिला का मेडिकल कराया जा रहा है, साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर, जो पीआरडी का जवान बताया उसकी ड्यूटी पे था, कैसे पहुंचा हुआ? देखिए, इसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि जो ड्यूटी पर था या नहीं था। वैसे वो आरपीएफ के लिए आरपीएफ के माध्यम से यहाँ ड्यूटी करता है। कल रात्रि वो ड्यूटी में था या नहीं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। देखिए, महिला के अनुसार उसने खाकी रंग का पैंट पहना हुआ था सिर्फ, और यही महिला ने देखा, यही बताया। क्या कह के उसने सर ले गया मोटरसाइकिल? उसने डरा धमकाया, तुम लोग ये चूंकि दंपत्ति कम आयु के हैं, उसने कहा कि तुम लोग कम उम्र के हो, कैसे तुम लोगों ने शादी कर ली, उसको कुछ शक हुआ, जो भी बात हुई हो, तो डरा धमका के कि ये शादी तुम लोगों ने कैसे कर ली, घर से भागकर शादी कर ली, इस टाइप से डराया धमकाया और उनको अपनी बाइक पर बैठा लिया।